मगर क्योंकि कल 11 बजे की बात हुई थी, देखिए जब पहले शहजाद पुनेवाला से बात हुई थी एक्साइज डिपार्टमेंट में आने की, तो भी मैं पहुंचा था, शहजाद पुनेवाला नहीं पहुंचा। मैंने उस चैनल पे भी फोन किया एंकर साहब को कि भाई वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला नहीं आ रहे वो। आज भी मैं पहुंचा, हमने उनको कहा कि साहब आप अंदर चलिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासरूम भी दिखाएंगे, टॉयलेट भी दिखाएंगे, और पूरा नया ब्लॉक दिखाएंगे, पुराना ब्लॉक नहीं दिखाएंगे, 1967 का कुछ नहीं दिखाएंगे, 2015 के बाद जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में बना है वही दिखाएंगे। आज जहां गौरव भाटिया पहुंचे थे वो कौन सी जगह है सौरभ, वो जगह कौन सी, उसके बारे में बताइए। वो पंपोश था, ग्रेटर कैलाश का इलाका है, और मेरे बार बार कहने पे भी वो स्कूल के अंदर नहीं घुसे। पेरेंट्स भी थे, पेरेंट्स भी उनको चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, ये स्कूल तो पूरा का पूरा शानदार बनाया है, पढ़ाई अच्छी हो गई। फिर बोले इसके अलावा किसी और में चलेंगे। फिर सुनिए, उनको लगा कि शायद यही एक स्कूल है, कह रहे एक स्कूल में कोई ना भाई, मेरे पास टाइम कोई ना है, अगले स्कूल में चलिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं वीडियो डालूंगा अभी। फिर हम उनको चितरंजन पार्क के अंदर ले गए, वहां पे स्कूल की दो ब्लॉक्स ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 2 सालों में। वो आपके साथ गए? मेरे साथ गए, एक ही गाड़ी में गए? एक ही गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी आगे थी, उनकी मर्सिडीज पीछे थी। अच्छा। वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, गाड़ी से बाहर नहीं निकले। फिर जब कैमरा की टीम उनके पास पहुंच गई, मैंने कहा भैया भाटिया जी निकलिए बाहर, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकले अपने दो गनर्स के साथ। और मैंने कहा भाई देख लो, ये तो बिल्डिंग अब बन ही रही है, 90% तैयार हो गई, मजदूर भी लगे हुए हैं, और बाकी 3 ब्लॉक्स बन गए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, ये ब्लॉक बन रहा है। दूसरा स्कूल कौन सा था जिसकी आप बात कर रहे हैं? चितरंजन पार्क के अंदर स्कूल था, बी ब्लॉक के अंदर स्कूल है। उसमें भी ये स्कूल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने कहा चलिए दिखाते तो हैं आपको, कम से कम टॉयलेट तो देख लीजिए, क्लासरूम तो देख लीजिए। मजदूरों से बुलवाया, भैया क्या बन रहा है, स्कूल बन रहा है होटल बन रहा है? उन्होंने बोला स्कूल बन रहा है। मैंने कहा टॉयलेट भी बन रहे हैं या क्लासरूम में ही है? कह रहे हैं टॉयलेट भी बन रहे हैं, क्लासरूम भी बन रहे हैं। भाटिया जी ऐसे भागे वहां से, फिर बोले लिस्ट दे दो। मैंने कहा भाई लिस्ट तो तुम स्टूडियो में ही दे रहे थे, तुमने क्या कहा? भाटिया जी ने क्या कहा, आप तो इनका वीडियो चलाइए। भाटिया जी ने कहा दोनों मिलकर निरीक्षण करेंगे, और ये चुनौती खत्म नहीं है, चुनौती आज भी तैयार है। जब भाटिया जी चाहें, जिस दिन मन करे उस दिन वो बता दें, उनको सारे स्कूलों के अंदर निरीक्षण कराएंगे, मगर भागने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, वो गाड़ी के भीतर बैठे हैं, आप गाड़ी के बाहर हैं, वो जाने की वहां से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई एक हेल्दी डिबेट थी। वहां पर ऐसा लग रहा है कि झगड़ा ज्यादा हो रहा है, बहस ज्यादा हो रही है, कोई स्कूल दिखाने या देखने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जी जी जी, देखिए भाटिया जी जब भाग रहे थे तो लोग कह रहे थे कि देखो भाग गया, जब आप भागोगे तो लोग कहेंगे ना भाग गया। लोग अपने बच्चों से बात करा रहे थे कि आप हमारा स्टूडेंट है यहाँ का, आप इससे बात करिए, ये उस बच्चे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, प्रिंसिपल से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, ये सिर्फ भागना चाह रहे थे वहां से। इनके साथ दो गनर थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, इनको किसी ने छुआ नहीं, इनसे मैं बड़े प्यार से बात कर रहा था, और आखिरी तक मैं कहता रहा कि भाटिया जी अभी तो 498 स्कूल और बचे हैं, और ये चैलेंज अभी भी खुला है। जब गौरव भाटिया जी बाकी स्कूलों को देखना चाहें आए और उनको दिखाएंगे। भाजपा ये कह रही है या गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि 500 स्कूलों का आपने वादा किया था चुनाव से पहले, उनकी लिस्ट आपने नहीं दी, वो लिस्ट मांग रहे हैं। देखो भाटिया जी को तो वहां पे एक बैठा हुआ आदमी ये कह रहा था कि 15 लाख रुपए का वादा था मोदी जी का चुनाव से पहले, 1 लाख भी दे दिया हो तो बता दो, हम तो आपको सारे स्कूल दिखाने के लिए तैयार है। तो इनको उससे जवाब नहीं मिला। 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा था, 1 करोड़ को भी दे दी, वो भी हर साल 2 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ को भी दे दी हो अभी 8 सालों में, तो वो बता दो, वो नहीं बताया। और खुद इन्होंने कहा था कि दोनों भाई चलेंगे निरीक्षण करने, मैं निरीक्षण करने के लिए तैयार हूँ, आओ ना भाई। लेकिन वो क्लासरूम को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि बाथरूम को भी कमरों में गिर लिया गया, ये जो आरोप है ये भाजपा लगा रही है। क्यों नहीं, तो डर क्यों गए? जब बच्चों के साथ हम दिखाते कि क्लासरूम क्लासरूम की जगह है, टॉयलेट टॉयलेट की जगह, तो डर क्यों गए? दिखाते कि स्कूल के अंदर नीचे ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो स्टेनलेस स्टील की रॉड लगी हुई है, अंदर क्वालिटी दिखाते, डर क्यों गए? देखिए डर ये था, अगर स्कूल के अंदर जाएंगे और स्कूल की क्वालिटी नेशनल चैनल के ऊपर दिखेगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, मनोज तिवारी ने भी ये किया था, स्टोर रूम का वीडियो चला के बोले देखो स्कूल खराब है। रमेश विदुड़ी जी ने भी ये कहा था, पुराना ब्लॉक जो एबंडेंड है उसका वीडियो डाल के बोला कि देखो ये स्कूल खराब है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति का चैलेंज क्या है आगे, आम आदमी पार्टी का चैलेंज क्या है स्कूल को लेकर? क्योंकि जो पिछले दिनों एलजी ने भी रिपोर्ट मांगी है उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं, ऐसे में आपको लगता है आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी? एलजी साहब की तो पूरी की पूरी चिट्ठी झूठ पे आधारित थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे डला हुआ है कि भारत के अंदर सब राज्यों में किसमें सरकारी स्कूल में बच्चे बढ़े हैं किसमें घटे हैं,
यूपी में घटे हैं, मध्य प्रदेश में घटे हैं, दिल्ली में 4.5 लाख बच्चे बढ़े हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मगर एलजी साहब जो है वो व्हाट्सएप से डेटा उठाते हैं और उसके ऊपर चिट्ठी लिख देते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं एक स्टेट के, उनको सरकारी डेटा उठाना चाहिए। भाजपा को क्या चलन है फिर आपका अभी स्कूलों को लेकर? भाजपा की समस्या क्या है, दिल्ली में हर आदमी नहीं आता, मगर दिल्ली की खबर हर जगह पहुंच रही है कि शानदार स्कूल बने और शानदार अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार ये कर रही है कि दिल्ली में कुछ नहीं बना, इसीलिए जब भी स्कूल में जाने की बात होगी भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। अभी भी आप चैलेंज दे रहे हैं कि वो आए स्कूल में? चैलेंज है, जब आए हम अपने प्रिंसिपल्स को कह देंगे भैया ये आए करें ना तो इनको दिखा दे करना, टॉयलेट भी दिखा देना, क्लासरूम भी दिखा देना। चलिए, सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बातचीत करते हुए, उनका कहना है कि वो अभी भी खुली चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उनके नेता प्रवक्ता आए और स्कूल देखें।